कोरोना संक्रमण से लड़ाई में इस समय कई योद्धा और कई हीरो मैदान में हैं जो डटे हुए हैं आपको संक्रमण से बचाने के लिए। इस समय हम एक कंटेनमेंट एरिया की तरफ है जहां पर जो प्रभावित इलाका है और उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट किया है, मतलब छावनी में तब्दील किया है और यहां पर सभी के आने जाने और सब पर रोक है। और ऐसे कंटेनमेंट एरिया जो प्रभावित है उस प्रभावित एरिए में अधिकारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से SDM खुद जो है वो मौके पर खड़े होकर और लोगों को समझाइश और इस तरीके ताकि वो इस संक्रमण की चपेट में ना आ सके। मैं हमारे साथी से कहूँगा, बताएंगे कि वो इस समय ADM पवन जैन साहब और अन्य पुलिस अधिकारी भी जो है वो मौजूद है और वो लगातार मैदान में बने हुए और यही वो सच्चे हीरो हैं जो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों के लिए लगे हुए हैं। जैन साहब से हम बात करेंगे। सर, वाकई फिल्मों में तो कई हीरो होते हैं जो आते हैं और पर्दे पर एक वो रोल निभाकर चले जाते हैं, लेकिन संक्रमण काल के इस दौर में आप जैसे जो वाकई में इस समय फील्ड में जिनकी ज़रूरत है वो काम कर रहे हैं, कितनी जवाबदारियाँ बदल जाती है? देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग एक मिशन को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और हमारे कलेक्टर साहब के निर्देशन में पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग का अमला, पुलिस विभाग के लोग, नगर निगम के लोग, राजस्व के लोग, सभी लोग और पत्रकार बंधु भी, आम जनता के लोग भी, जो लोग भी सभी जवाबदार लोग हैं, सब लोग एक मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं और सबका मोटो केवल एक ही कि कैसे भी करके इस शहर से कोरोना को भगाना है और कोरोना की लड़ाई में हमको जीतना है। कई बार ऐसा लगता होगा कि इस ड्यूटी पे अपने आप की भी चिंता होती होगी क्योंकि आपको लोगों को सरवाइव करना है, ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस आप ले? देखिए, प्रिकॉशन तो हम सब लोग लेके निकलते ही हैं। हम लोग को निर्देश दिए गए हैं कि विदाउट प्रिकॉशन कोई भी आगे नहीं जाएगा, लेकिन उस सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ी चिंता है वो है आम जनता की सुरक्षा की, जिसको लेकर के हम लोग सभी लोग, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और जिसको जो दायित्व मिला है सब लोग अपने दायित्वों के प्रति सजग होकर 100% अपना देते हुए उसको निर्वहन कर रहे हैं। जब आप फील्ड में निकलते होंगे तो स्वाभाविक है घर वालों को भी चिंता होती होगी आपकी, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में लोगों को घर में बिठाने का काम है और आप जो है वो घर से बाहर निकल के लोगों को बचाने के लिए एक हीरो के रूप में। देखिए, इसमें कोई हीरो जैसी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक सरकारी अधिकारी का दायित्व तो होता है, उसका हम सब लोग निर्वहन कर रहे हैं और मेरा अपना ये मानना है कि हम लोग जब नौकरी में आए थे तो इसी उद्देश्य को लेके आए थे कि हम सेकेंडरी हैं और हमारी जनता जो है, जिसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं, जिसको हम लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता के हैं, प्राइमरी हैं, तो हम सब लोग उनको अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और इस समय पर्टिकुलरली इस दौर में हम लोग की चुनौतियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं, जवाबदारी हम लोग की और ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग और ज़्यादा संवेदनशील होकर और डेडिकेशन से अपना काम करें और जो लक्ष्य हमको दिया गया उसको प्राप्त करें। इस वक्त एडिशनल SP महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह चुनौतीपूर्ण है। सर, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य अभी ये, क्योंकि संक्रमण का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, इंदौर में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ये बात सही है और ये अच्छी बात इसमें ये है कि लगातार इसमें उनके टेस्ट हो रहे हैं और उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं और हमें सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है जिससे कि तत्काल उनका उपचार किया जा सके, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि एक अलग तरीके की ड्यूटी है, सभी फोर्स को इसमें सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनको संवेदनशील किया जा रहा है इन विषयों के संबंध में और जनता से लगातार अपील है कि इसमें वो सहयोग करें, जो जितना अपने आप को सुरक्षित घर में रखेगा उतना ही ये सभी के लिए आसान होगा। सर, हमने एक तस्वीर देखी थी, एक थाना प्रभारी महोदय हैं, वो अपनी बच्ची से दूर बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं बाहर, इस तरह की तस्वीरें विचलित भी करती है और एक उन्हें इस तरह का बताती भी है कि पुलिस फोर्स सिर्फ इसी तरह के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए जो काम कर रही है, तो ये जो इस तरह की ड्यूटी है वो आपको एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करती, क्योंकि फिल्मी हीरो और रियल हीरो में दोनों में काफ़ी अंतर, तो ये लगता है कि ये समय जो हम कर रहे हैं ये काम एक किसी लोगों की जान बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो किसी हीरो से कम नहीं। ये संविधान में प्रति जो शक्तियाँ हैं उन्हीं के अनुरूप शपथ जो एक पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने ली है और निसंदेह वो इसका पालन अक्षरशः कर रहा है और इसमें जो परिजन है, नजदीक साथीगण हैं, उनको इस बात से वेदना हो सकती है लेकिन साथ ही जो जितना
संगठित रहेगा और इस मैसेज को दूर तक फैलाएगा कि हमको स्टे घर में रहना है, सेफ रहना है, वो सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जब आप घर से निकलते होंगे तो घर वालों को भी चिंता होती होगी इस समय। ये चिंता का समाधान होता है कि जो बात है उसको व्यवस्थित रूप से बताया जा सके, किसी भी चीज़ के लिए अज्ञान ना रह जाए, और जितना ज्ञान होगा विषय के बारे में उतनी ही चिंताएं कम होंगी, और मैं चाहूँगा कि लोग उसका पालन करें, और ऐसे ही परिजन में भी सभी को अवगत कराया जा रहा है। देखिए SDM महोदय भी वहाँ पर लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए, आप देखिए वो सतत इसी काम में लगे हैं कि लोगों को समझाइश दे रहे हैं ताकि जो संक्रमण है वो अन्य लोगों में फैल ना सके। ये पूरा जिस एरिया में हम इस समय मौजूद हैं वो पूरा कंटेनमेंट एरिया है, पूरा छावनी में तब्दील है, क्योंकि यहाँ से कई लोग जो हैं वो निकले हैं इस तरीके से जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और SDM महोदय खुद लगातार इस पर समीक्षा कर रहे हैं। सर ये संक्रमण का काल है, किस तरह की ड्यूटियाँ बदल जाती हैं? सब वॉर मोड में है, एक तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि एक वॉर लड़ रहे हैं हम लोग, और इसमें कोई समय का कोई बंधन नहीं है, रात दिन एक है। ये मेरा क्षेत्र है रानीपुरा, आपको पता है सबसे पहला कंटेनमेंट जोन है रानीपुरा, हाथीपाला, इसके साथ साथ दौलतगंज, ये तीन शुरू में पॉकेट्स, अब इसमें नयापुरा और आगे से नेतागंज और जुड़ गया जो मेरे सब डिवीज़न में आता है। अब इस क्षेत्र में तीन कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं, एक रानीपुरा, दूसरा है सेनेतागंज और अभी नयापुरा। तो हम लोग एक प्राइम टारगेट पे जो DM सर ने दिया उस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे 25 यहाँ पे इस इलाके से 25 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जिसमें से 4 की डेथ हो चुकी है। अब इन 25 के जो इमीडिएट प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, इनको उठाना और क्वारंटाइन करना हमारा पहला लक्ष्य, और बाकी लोगों को आप देख रहे हैं इस प्रकार घर घर सब्जी दाल किराना पहुँचाना, जो लिस्ट नगर निगम ने लोगों से कलेक्ट की थी वो अब एक्चुअली में मूर्त रूप में एग्जीक्यूट होके लोगों को मिलने लगा है। देख रहे हैं कि कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ लोगों को आवाजाही पर रोक है, लेकिन आप उन्हीं कंटेनमेंट एरिया में लगातार काम कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण है? जी है, तो बिल्कुल बहुत चुनौतीपूर्ण है, और पूरे समय सैनिटाइजर से हाथ धोते रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, पर ड्यूटी जो है वो सबसे पहले आती है। हम लोग शासकीय सेवक हैं और शासकीय सेवक जो है उस वो जनता के लिए बना हुआ है, तो जनता की सेवा करने का ये समय सही वक्त है। सही वक्त मैं नहीं कहूँगा, बहुत दुर्गम और बहुत ही डिफ़िकल्ट वक्त है, लेकिन हमें अपना काम करना है। ऐसे में परिवार को काफ़ी चिंता होती है क्योंकि आप दिन रात फील्ड में बने रहते हैं इस समय, और विशेषकर कंटेनमेंट एरिया जो प्रभावित एरिया है वहाँ बने हुए, तो कितनी चिंता उनको भी है? चिंता तो उनको भी है, साथ साथ डांट भी सुबह शाम दो डोज में मिलती रहती है, पर फिर भी हम पूरा एहतियात करते हैं कि जैसा आपने देखा होगा कि काम तो करना है, घर के बाहर ही हर चीज़ डिस्पोज ऑफ करके, कपड़े बाहर रखे, घर के बाहर ही भोजन करके कोने में जहाँ जगह मिली वहीं पे विश्राम कर लिया और फिर ड्यूटी पे आ गया। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि DM सर के नेतृत्व में जिस तरीके से हम पिन पॉइंटेड प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, हम इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए आप SDM महोदय भी बता रहे हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, और जब शासकीय सेवा में आए थे तब उन्होंने प्रण किया था कि वो ड्यूटी अपना पूरा धर्म के साथ निभाएंगे, और परिवार की चिंता वाकई बड़ी है, लेकिन उस चिंता के बीच में भी इस तरह की ड्यूटी निभाना वाकई कोई हीरो ही कर सकता है, और ऐसे हीरो को DG News सलाम करता है। कैमरामैन नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, DG News इंदौर।